जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। और आज विशेष उत्सव निमित्त जय सीताराम करके आज रामनवमी उत्सव चैत्र सुद नवमी का पवित्र दिवस मानवीय अवतार लेकर आई हुई आदि शक्ति उसका स्मरण करना, नौ दिवस तक जीवन का पथ दिखाकर जो गए हुए हैं उसके नजदीक कितने आए हुए हैं ये सोचने का दिवस है। वही उत्सव, उत्सव का अर्थ ही उत्साह से भरा हुआ हमारा जीवन बन जाए। आज जो हमारे सामने इस उत्सव एक रिचुअल्स, उपवास करना, राम मंदिर जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना, वहीं पर हमारा उत्सव पूरा हो जाता है। लेकिन अनंत गुणों के सागर के समान इनका जीवन जिस महान ग्रंथ में भरा हुआ उसे ही रामायण कहते हैं। राम की दिशा, आयण का अर्थ दिशा, राम की दिशा दिखाने वाला ग्रंथ, राम के साथ जीवन जोड़ने का ग्रंथ, उसका आज के दिवस चिंतन करना, वही राम नवमी का उत्सव। आठ दिन की तपस्या करके एक एक नवधा भक्ति में श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम एक एक करके ऊपर सीढ़ी चढ़ते समय आज अंतिम स्थिति नौवें दिवस में दास्यम सख्यम और नौवा दिवस आत्मनिवेदनम, वही बोलने लग जाए, वही हमारी रिमोट कंट्रोल के द्वारा पूरी सिस्टम ऑपरेट करने लग जाए, उस स्थिति पर पहुंचना, वही आज का उत्सव। सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करेंगे और एक महान ग्रंथ, भारत की अत्यंत टोच की पहचान वैसे रामायण, एक महान ऋषि के द्वारा 21वीं सदी के लिए, समय नहीं किसी के पास है, मेरे पास समय नहीं, किसके लिए समय नहीं, ये प्रश्न। ये जीवन की ओर देखने की दृष्टि जिसके पास आ जाती है उसके पास समय है। ए लेजी मैन नेवर फाइंड्स टाइम बट ए बिजी मैन ऑलवेज फाइंड्स टाइम, इस विचारधारा के साथ आज जगत गुरु को नमस्कार करेंगे। राम रक्षा स्तोत्रम महर्षि विश्वामित्र, राम के गुरु, राम के वचन यानी कि अंतिम एक वचन ये, जिसका अर्थ अपने अनुकूल बनाने की शक्यता नहीं रहती है, तो उनके गुरु के वचन, उनकी लिखी हुई रचना का कितना महत्व, कितनी ऊंचाई होगी, तो उनका अल्प समय हमारे आज के चिंतन का समय देखते हुए ये कुछ राम रक्षा स्तोत्र के ध्यान श्लोक और कुछ श्लोक आज पढ़कर इनके अनंत गुणों का स्मरण, अनंत विविध प्रकार के जीवन के रोल कैसे पूर्ण बनाकर दिखाए हुए हैं उसका स्मरण करेंगे। मेरे साथ गाते जाइए राम रक्षा स्तोत्रम। आज कुछ लोगों को मुखस्त है तो वो भी मेरे साथ गा सकते हैं। आरंभ करेंगे जगद्गुरु की वंदना के साथ। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणु रमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात्
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ध्यायेद् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल लोचनं नीललाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधत मुरुजटा रामचन्द्रम् इति ध्यानम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रवेस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितूण धनुर्बाण पाणिं नक्तैः चरान्तकम् स्वलीलया जगत्तातुम् आविर्भूतम् अजं विभुम् आविर्भूतम् अजं विभुम् टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। भारत का अत्यंत पवित्र दिवस आज इस राम की भूमि
जगत की आदि शक्ति विश्व को एक आदर्श मानवी का जीवन दिखाने के लिए अवतार लेकर आई, उसका स्मरण करना, वही आज का उत्सव चैत्र सुदी नवमी के दिवस आज की मॉडर्न परिस्थिति देखकर, टेररिस्ट का युग, आतताई अशांति का युग, वैसे अशांति का युग में राम का चिंतन करना, यही राम मेरी रक्षा करेंगे, रक्षयामि इति राक्षसः, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, वही राक्षस, मुझे स्वयं अपनी रक्षा करनी है, लेकिन राम मेरी रक्षा कर रहे हैं, सामने न दिखते हुए भी जो मेरी सतत 24 घंटा मुझे देख रहे हैं, वह भूमिका के साथ एक महान ऋषि की कलम से निकले हुए 38 श्लोक। प्रथम दिन ने कुछ बताया हुआ था, थोड़ा रिकैप करके आज आगे भी देखेंगे। 2022 समय नहीं किसी के पास, व्यक्ति चलता नहीं दौड़ता है, सुनता है बहुत लेकिन समझता कितना, यह प्रश्न है। रामायण मेरे घर में है लेकिन खोलकर पढ़ने वाले कितने हैं? ये 10,000 वर्ष पूर्व राम के गुरु, उन्होंने ये आज की हमारी फास्ट एज रनिंग एज ये ध्यान में रखकर ये 38 श्लोकीय संपूर्ण रामायण का रहस्य भर दिया हुआ है। और भारतीय होते हुए भी यदि इसके लिए समय नहीं है तब ये प्रश्न है, राम की पूजा करने वाले किसके लिए समय है? इस भूमिका के साथ देखेंगे आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक समस्या में मर्यादा नहीं जिसने छोड़ी है। पुरुष का अर्थ आज हमारे सामने पुरुष मेल मूछ दाढ़ी, लेकिन पुरुष का हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर 5 लक्षण बताए हुए हैं। पुरुषोत्तम कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम और राम प्रत्येक स्थिति में मर्यादा नहीं छोड़ी हुई है। वैयक्तिक मर्यादा, मैं मनुष्य हूं, दशरथ नंदन हूं। सामाजिक मर्यादा, प्रजाजन प्रत्येक को लगता था कि राम के साथ मेरा विशिष्ट संबंध है, इसलिए अयोध्या छोड़कर जाते समय सभी नगरजन उनके पीछे गए हुए हैं, ये कैसे किया होगा? ये वैयक्तिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, राजकीय मर्यादा, सीता का त्याग, ये राम ने सीता का त्याग नहीं किया हुआ था, राजकीय राम राज्य का स्वप्न दिखाते हैं राजकीय नेता, लेकिन राम राज्य कितनी ऊंचाई पर है, कुछ छोड़ने के लिए तैयार है क्या? ये प्रश्न राजकीय परिस्थिति प्रत्येक जगह पर मर्यादा नहीं छोड़ी हुई है, मैं सामान्य मनुष्य हूं वैसा ही चित्र खड़ा किया हुआ। यहां तक कि जब यह भूमिका खोलने के लिए विश्वामित्र ने इशारा किया हुआ था राजा जनक के सामने, तब भी चुप हो गए थे, ये नाटक चलने दो गुरुदेव, ये पर्दा मत खोलिए, पर्दा मत गिराइए। ये कहने वाले पुरुषोत्तम, तो पुरुष के 5 लक्षण हमारे शास्त्र में, नीति शास्त्र में बताए हुए हैं, और 5 लक्षण पात्रे त्यागी गुणे रागी संविभागी च बंधुषु रणे योद्धा शास्त्र बोद्धा पुरुषः 5 लक्षण, इसे ही पुरुष कहते हैं। अन्यथा मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, ये विभाजन, लेकिन पुरुष जो है उनके पास ये 5 लक्षण है, वही पुरुष पात्रे त्यागी, राम के लंबे हाथ, पात्र देकर त्याग किया हुआ, भरत को राज्य चाहिए,
वैसे पिताजी ने माता कैकेयी के द्वारा वचन दिया हुआ था, राज्य त्याग किया हुआ, प्रजा के लिए सीता का त्याग किया हुआ, पात्र त्यागी, गुणे रागी, गुण देखकर अत्यंत खींच जिसे हो जाती है, आज किसी के दोष देखकर नेगेटिव आउटलुक, छिद्र ही देखने की आदत हो जाती है, नेगेटिव आउटलुक कि गुणे रागी, किसी का गुण देखकर दूसरे के दोष छिपाना और गुण को प्रकट करना, उसे ही मैत्री कहते हैं। राम वैसे मित्र बनकर आए थे, गुणे रागी। शिव जी ने भी गुणे रागी का अपने स्वरूप के द्वारा चंद्रमौलीश्वर चंद्र को अपनी जटा में शोभा बनाकर रखा हुआ, गुणे रागी चंद्र का गुण कमाने की शुरुआत शुक्ल पक्ष में और पूर्ण चंद्र बनकर अगले 15 दिन तक देने की शुरुआत, अमावस्या तक संपूर्ण ये गुणे रागी चंद्र के भी कई सारे गुण किए हुए, इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, गीता में भी बहुत सुंदर उल्लेख दिया हुआ। सोमनाथ सोमो भूतमा रसात्मक, दूसरे के जीवन में जो रस भर दे वही चंद्र का विशिष्ट गुण। पात्रे त्यागी गुणे रागी समविभागी च बंधुषु, अपने बंधु के साथ बांटकर खाने वाला, स्वयं अकेले खाने वाला उसे स्वार्थी कहते, सब मिलकर बांटेंगे। समविभागी च बंधुषु, पात्रे त्यागी गुणे रागी समविभागी च बंधुषु रणे योद्धा, हमारे प्रत्येक भारतीय देवी देवता, अन्यथा हम भारत को समझते हैं पीस लविंग नेशन, शांति सभी जगह शांति की घोषणा करने वाले, लेकिन प्रत्येक देवी देवता लड़ाकू मिलिट्री, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष बाण, किसी मंदिर में बिना धनुष बाण राम का दर्शन ही पूर्ण नहीं होगा। रण योद्धा अधर्म के सामने कहीं पर भी झुके हुए नहीं है, युद्ध छोड़ा नहीं है, और आज आतताई की समस्या विश्व के सामने है, राम भगवान के सामने भी यही बहुत बड़ी समस्या थी, रावण इनका लीडर था और कई सारे राक्षसों का संहार किया हुआ, अवतार का कारण ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। फिर 14 साल के पश्चात राम राज्य का स्थापन, राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए, वही आज का राम जन्म दिवस, राम के गुणों का हमारे जीवन में जन्म। रणे योद्धा शास्त्र बोद्धा, शास्त्र में ही बुद्धि लगानी है, शास्त्र का अर्थ साइंस, या हमारे जितने रिलीजियस ग्रंथ है बुद्धिपूर्वक समझेंगे तो उसमें बहुत बड़ा जीवन का संकेत है, कुछ मार्गदर्शन है ये जीवन को कैसे इसका उपयोग करना, वह कला दिखाने के लिए राम और कृष्ण आए हुए थे। एक आदर्श मानवी शुरू से अंत तक, महाकवि कालिदास ने भी बहुत सुंदर रघुवंश में वर्णन किया हुआ, शैशवे व्यस्त विद्या नाम, यौवने विषयेषु नाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनु त्यजाम। रघुवंश राम का परिचय। तो वैसे सामाजिक नैतिक राजकीय पारिवारिक ऐसी सभी मर्यादा में रहकर भी उत्तम पुरुष, ये पुरुष के 5 लक्षण, उसमें उत्तम पुरुष गीता में भी 15वें अध्याय में उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मेति दारुतः। इस आज
इनके कुछ गुणों का, उनके जीवन के रोल का, कैसे कैसे प्रत्येक रोल में प्राण भर दिए हुए, एक आदर्श मानवी को पथ दिखाया हुआ, उनके विचार उनके गुणों को जीवन में लाकर संस्कृति समाज में टिकाए रहने के लिए कृत निश्चय ही बने, वही रामायण। तो संक्षेप में देखते जाएंगे एक एक रोल। प्रथम विद्यार्थी का रोल, विद्यार्थी पुत्र पति मातृ प्रेम, राजकीय प्रेम, और हमारे राष्ट्र भूमि भारत पर भी कितना प्रेम था, ये संक्षेप में देखेंगे। तो प्रथम विद्यार्थी गुरु के पास मोबाइल यूनिवर्सिटी, दो शिष्य राम और लक्ष्मण, और घूमते घूमते महर्षि विश्वामित्र, कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जगत की आदि शक्ति के गुरु के रूप में उनके साथ अत्यंत नजदीक रहने का। ये राम रक्षा सूत्र में वर्णन किया हुआ राम का, कैसा उनके साथ माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, कितनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए। और घूमते घूमते भोजन करते समय विटामिन, रात्रि में सोते समय आकाश में तारामंडल दिखाकर, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये घूमते घूमते मोबाइल यूनिवर्सिटी की तरह विद्यार्थी जीवन, और गुरु के कहने पर ही विवाह का प्रस्ताव मान्य किया हुआ। सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर सीता माला पहनाने आती है, तब एक आदर्श पुत्र की तरह गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार और रघुवंशी होने के कारण मैंने ये धनुष का भंग किया हुआ, लेकिन विवाह के लिए माता पिता की आज्ञा आवश्यक है और मैं ये आज्ञा लेकर नहीं आया। और वहाँ पर विश्वामित्र गुरु के सामने देखते हुए गुरुदेव, विश्वामित्र भी तुरंत उत्तर देते हैं, राम और लक्ष्मण मैं दशरथ राजा की आज्ञा लेकर ही आया हूँ। और यही सुनने के पश्चात सीता की वरमाला स्वीकार की है, कैसा आदर्श है गुरु प्रेम। इसने तो इस रचना में भी बुध कौशिक ऋषि ही बताया हुआ, विश्वामित्र का दूसरा नाम बुध कौशिक। बुध का अर्थ वैसे गुरु जिसके पास ये चार लक्षण हो। हमारा भारतीय सप्ताह रविवार से शुरू होता है, रवि का सूर्य, आज हमारे सामने रवि का सूर्य का अर्थ संडे का छुट्टी, किससे छुट्टी लेनी है, स्वार्थ से छुट्टी, सूर्य जैसा तेजस्वी बनने के लिए दिवस वही रविवार। सूर्य वंश में आए हुए ये गरिमा जिसे समझ में आ जाए, वो रवि जिसका जीवन तेजस्वी है। सोमवार चंद्र का दिवस है, शिव जी को इसलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र सोमनाथ शीतलता देने वाले, वह चंद्र रस भरने वाले, औषधियों में वनस्पति में रस भरने का कार्य, मून रेज, रेज ऑफ द मून, रात्रि में हम सो जाते हैं लेकिन चंद्र अपना कार्य करते रहता है। जिसके पास तेजस्विता शीतलता और मंगल दृष्टि है, मंगल्य की दृष्टि, वह मंगलवार। और बुधवार का अर्थ ही बुद्धिपूर्वक, बुद्धि के द्वारा, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स द लॉर्ड, सिर्फ वैयक्तिक वाणी के द्वारा सिद्ध नहीं होता, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए तो प्रत्येक शुभ कार्य में गणपति पूजन है,
राम रक्षा लिखते समय भी श्री गणेशाय नमः, ये हमारे शास्त्र में भी बुद्धि चलानी होगी, संकेत है, अन्यथा ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो भी एक प्रकार का मनोरंजक दृष्टिकोण मिल जाएगा। तो आज ये दो बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा देखेंगे इस महर्षि विश्वामित्र की रचना भावपूर्वक गानी है, धार्मिक प्रत्येक पूजन में आज रिचुअल एक विधि पूरी करो। ब्राह्मण को भी कई जगह कहते हैं महाराज कितना समय लगेगा, लेकिन पूजन जो है वह हृदयपूर्वक करना है, भावपूर्वक करना है, इसलिए तो वहां पर पान रखा जाता है, हार्ट का हृदय का स्थान है, संकेत है ये, हृदयपूर्वक करो। ये विधि सिर्फ पूरी करने से ही पूजन विधि संपूर्ण नहीं होती, भावपूर्वक, इसी भाव के बहुत सुंदर दो सुंदर उदाहरण देखेंगे आज। भावपूर्वक यदि नहीं अर्थ समझ में आता और फिर भी गाएंगे राम रक्षा स्तोत्र, तब भी अवश्य ही कुछ लाभ होने वाला है। पापक्षय श्री रघुनाथ सेवा, पुण्यक्षय श्री पुण्यक्षय नीचे जन सेवा, लेकिन पापक्षय श्री रघुनाथ सेवा, एक बहुत सुंदर प्रसंग देखेंगे। एक राजा संध्या के समय अपना रथ लेकर निकले हुए हैं और रास्ते में घूमते घूमते एक जलाशय नदी के सामने आते हैं और वहाँ की ठंडी हवा देखकर रथ खड़ा किया हुआ और ये सुंदर नैसर्गिक मनोहारी दृश्य देखकर वहाँ कुछ समय रुक गए और वहाँ देखते हैं तो नदी किनारे एक साधु, वहाँ साधु खड़े हुए थे और एक बगुला भी वहाँ पर मछली की खोज में तैयारी कर रहा था। राजा वहां पर दृश्य देखते समय, आज गर्मी की मौसम में हम लोग भी यदि समुद्र किनारे जलाशय के नजदीक जाए तो वहां का ही अनुभव ले सकते हैं शीतलता का। तो वहां पर साधु खड़े हुए थे और बगुला अपनी चोंच पत्थर पर घिस रहा था और नदी का पानी लेकर ऊपर में पानी डाल रहा था और ये बार बार ये क्रम देखकर वहां खड़े हुए साधु के प्रेरणा मिल गई और एक छोटा सा काव्य बना दिया, कविता, और राजा वहां खड़े होकर सुन रहे थे। साधु कहते हैं ये बगुले की चोंच घिसने का प्रसंग देखकर घिस 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 घिसत है ऊपर लगावत पानी, किस कारण को घिसत है बात ये मैंने जानी। राजा को ये श्लोक काव्य के रूप में बहुत ही सुंदर लगा और गुनगुनाने लग गए। बार बार देखते हैं बगुले को, वहां चोंच घिस रहा और पानी लेकर। अब यहां पर संध्या का समय के पश्चात राजा राज्य की ओर अपना रथ लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन पूरे रास्ते में ये पंक्तियां गुनगुनाते रहे, घिस 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 घिसत है, और उनके बाहर जाने के कारण यह पीछे में एक षड्यंत्र बना हुआ था। रानी और प्रधान ये दोनों ने मिलकर राजा को हटाना और उनको मारने के लिए एक नाई को नियुक्त किया हुआ था। नाई, तुझे कल सुबह राजा दाढ़ी करने के लिए बुलाएंगे, तब अस्त्र ऐसे ले जाना और उसी अस्त्र से जैसे अकस्मात हुआ वैसे राजा की गर्दन काट देना। अब ये योजना
बनाकर गए हुए, रात्रि में राजा सो गए, कविता के शब्द उनके अभी भी कानों में गूंज रहे थे। और जैसे ही सुबह नाई को बुलाया जाता है बार-बार और दाढ़ी करना शुरू किया हुआ, तो आज तो अभी सेल्फ शेविंग करने वाला युग है, लेकिन उस समय आज भी कहीं सलून में जाएंगे तो वहाँ पर भी चित्र देखने को मिलेगा। अस्तरा वो पत्थर पर घिसता है, ऊपर पानी लगाता है। ये नाई ने भी वही क्रिया अस्तरे को पानी पर पत्थर पर घिस कर पानी लगा रहा था, और राजा के तुरंत स्मरण हुआ और वहीं पर बोलने लग गए। नाई अस्तरा घिस रहा है और राजा के मुख से ये दो पंक्तियां वह गाने लग गए। घिस 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 घिसत है ऊपर लगावत पानी, किस कारण को घिसत है बात ये मैंने जानी। अब ये पंक्तियां सुनकर नाई कांपने लग गया, क्योंकि योजना के अनुसार अस्तरा सजाना था और तीक्ष्ण धार के अस्त्र से राजा की गर्दन काट देनी थी। अभी इसमें तो राजा ने कह दिया किस कारण को घिसता है बात ये मैंने जानी, और तुरंत राजा के पैर पकड़ लिए नाई। अभी राजा आश्चर्यचकित, क्या हुआ? नहीं मुझे, मैं अपराधी हूँ, मैं आपका, मुझे सजा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, क्या हुआ? अभी तो दाढ़ी बनाना शुरू भी नहीं किया हुआ। नहीं, आपने अभी कहा बात ये मैंने जानी, क्या हुआ है प्रसंग? और नाई ने पूरा षड्यंत्र राजा के सामने रख दिया हुआ कि रानी साहिबा और प्रधान दोनों ने मुझे भय दिखाकर मारने की धमकी देकर ये आपकी गर्दन उड़ाने का षड्यंत्र रचा हुआ था, और दोनों ही पैर पकड़ लिए। और राजा ये कविता के अर्थ और भाव न समझकर गाने से भी उसका जीवन बच गया होगा, अन्यथा गर्दन कट जाती। वैसे ही राम रक्षा स्तोत्रम राम के गुणों का वर्णन न समझकर भी यदि पढ़ेंगे तो भी अवश्य ही कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन यदि समझकर पढ़ेंगे तो यह प्रश्न, क्योंकि भाव के साथ हृदय पूर्वक पढ़ना ही है। एक दूसरा उदाहरण देखकर आज हो जाएगा, बिना भाव से समझे हुए भी करेंगे तो हमारी गर्दन कटने से बच जा सकती है, राजा की जैसे बच गई। और भावपूर्वक यदि पढ़ेंगे तब कौन सा एक नौजवान सोचते रहता है पैसे की, आज की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस, नौकरी मिलती नहीं है और पैसे की व्यवस्था कैसे करनी। उसने सोचा ये गिर गिराने से, खुशामद सेठ जी की करने से पैसा मिलने वाले नहीं है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उसने एक योजना बनाई है, पास में जाकर एक ड्रेस मेकर से सूट बनाया हुआ, पैंट टाई और बनाकर एक बड़े सेठ जी की तरह, साहेब की तरह, और एक बड़ी गाड़ी ली है आज के मॉडर्न युग की तरह, अल्प समय के लिए भाड़े पे ली है, और निकलकर अत्यंत सज होकर मुंबई का एक बहुत उदाहरण दिया हुआ है, जवेरी बाजार, वहाँ पर एक बड़े ज्वेलर्स की दुकान के सामने इम्पाला गाड़ी खड़ी की है और ये सूट से हाथ निकलते हैं और वहाँ मुझे एक कीमती हार चाहिए, और मंदी बाजार होने के कारण वो ज्वेलरी शॉप बहुत खुश हो गए, एक तो कस्टमर आया हुआ आज और सभी वहाँ व्यस्त हो गए, सबसे कीमती हार और एक कीमती सोने का हार पसंद किया हुआ
मुझे ये पैक कर दीजिए, और पैक करने लगे तब जाकर ये नौजवान कहता है अपने पॉकेट में हाथ डालकर, मैं अपना पॉकेट तो भूल गया हूँ। इसलिए मैं कल आकर फिर ये पैक करके रख दीजिए, मैं कल आकर पर्स लेकर आऊंगा, तब साथ में पैसे देकर ले जाऊंगा। अभी यहाँ सोच में पड़ गए, सेठ जी के पास गया हुआ है, कैशियर के पास, क्या करें अभी। ये मुश्किल से एक ग्राहक आया हुआ है, और वह भी तब जाकर मुनीम आते हैं, कहते हैं सेठ जी आप हार ले जाइए और मैं एक साथ में अपने साथी को भेज रहा हूँ, उनको आप अपने घर से ये 5,000 रुपया, उस समय की कीमत है, आज 5,000 रुपये का हार भी कैसे मिलेगा, सोने का इतनी बात ही नहीं कर रही है, ये उसके हाथ में आप दे दीजिएगा। ये नौजवान अपनी योजना सफल हुई समझकर आप बैठ जाइए मेरे साथ गाड़ी में। अभी नौजवान पहले कुछ पूर्व भूमिका बनाकर आया हुआ था, वह इस जवेरी बाजार में आने से पहले एक मिठाई की दुकान, लेकिन मिठाई की दुकान में जाकर उसने कहा हुआ था मुझे 5,000 लड्डू चाहिए। अब इतने सारे लड्डू और यदि आप लेने नहीं आए तो ऑर्डर, इसलिए 500 रुपया दे दिए एडवांस, और मैं अभी जवेरी बाजार होकर आता हूँ, आप ये लड्डू तैयार करके रखिएगा। अभी एडवांस मिल गया, और ऐसी इम्पाला बड़ी गाड़ी उस समय की, सज सूट में सज बज नौजवान को देखकर, अच्छा आइए आप सेठ जी हम तैयार रखेंगे। अभी यहाँ पर गाड़ी में मुनीम बैठे हुए हैं, और उस मिठाई की दुकान के सामने रखकर मुनीम को पूछा हुआ, मुनीम को कहा हुआ आप जाइए सामने मिठाई की दुकान में, आपको 5,000 दे देंगे, और ड्राइवर की सीट पर बैठकर नौजवान ने कहा पूरे 5,000। मुनीम भी खुश हो गए, ये नामांकित एक मिठाई की दुकान है, और यह भी मेरे सामने कह दिया, और गाड़ी से उतर गए और मिठाई की दुकान में जाते हैं। यहाँ पर नौजवान ये हार, कीमती हार लेकर आगे प्रस्थान कर गया। वो यह मुनीम आकर मिठाई की दुकान से कहते मुझे 5,000 रुपया दीजिए, बोला रुकिए, और धीरे धीरे करके मिठाई की टोकरी आने लग गई, एक के बाद एक 5,000 लड्डू, यानी कि कितना बड़ा, पूरे 5,000 है। मिठाई की दुकान वाले ने कहा हुआ बाकी के पैसे, मुझे तो कोई पैसे देने की बात नहीं है, मुनीम कहते हैं मुझे तो पैसा लेने के लिए भेजा हुआ, पूरे 5,000 रुपया, यहाँ तो 5,000 रुपया की कोई बात ही नहीं, 5,000 लड्डू और इसके सामने 500 रुपया एडवांस देकर गए हुए। अभी ये पूरी घटना सुनने के पश्चात मिठाई के दुकानदार कहते हैं हमारे पास तो ये 500 रुपया है, आपकी ये समस्या देखकर आपको हम 500 रुपया दे सकते हैं, और 500 रुपया लेकर वह जवेरी बाजार ये सोने का हार गंवा देने की योजना समझ गए कि आज बिना भाव बिना समझ के पढ़ने पर 500 रुपया मिलेंगे, और यदि बुद्धिपूर्वक समझकर ये रामरक्षा स्तोत्र का पठन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो हमारा जीवन भी 5,000 लड्डू क्या चाहिए,
भाव और बुद्धि, बुद्धि और भावपूर्वक ये पढ़ना है, रिश्ते के साथ पढ़ना है, मेरा उसका रिश्ता है। ये रिश्ता जब समझ में आ जाए, वही रिश्ता जागृत करने का दिवस, वही रामनवमी का उत्सव, आज इसी उत्सव के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो संक्षेप में ध्यान श्लोक का आज चिंतन करके पूरा करेंगे, और पुत्र का विद्यार्थी, पुत्र राम के सभी रोल में, पति का रोल भी, सीता पति, सीता का हाथ एक ही बार पकड़ा हुआ है, हमारी भारतीय मोनोगैमी, अन्यथा उस समय राजा दशरथ, तीन पटरानियां थी और भी कई रानियां थी, लेकिन राम को ही उचित नहीं लगा, एक रिफॉर्म और मुझसे ही शुरुआत, पतिव्रता स्त्री को एक ही पति होना चाहिए, वैसे ही पति को भी मर्यादा दिखाइए, एक ही स्त्री, क्या पॉलीगामी, एक से ज्यादा स्त्री करना ये कानून के विरुद्ध है, और एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले को दंडनीय है, ये प्रथम अपने से ही ये रिफॉर्म आज भी जो प्रचलित है, यहाँ तक कि सीता त्याग करने के पश्चात वशिष्ठ सभी ने कहा हुआ दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन राम ने मान्य नहीं किया हुआ है। जैसे पतिव्रता स्त्री है, वैसे पति भी मेरे घर में अपने पिता माता सभी को छोड़कर आई हुई है, तो मुझे भी एक ही पत्नी, पति का रोल वैसे ही बहुत सुंदर, मातृप्रेम, मुखम कौशल्या माने राम का दूसरा नाम राजीव, राजीव का थी कमल, कमल जैसे नेत्र, माता का रोल बहुत बड़ा जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ मदर, राम के पीछे कौशल्या, लक्ष्मण के पीछे सुमित्रा, शिवाजी दी ग्रेट इसके पीछे जीजाबाई, कैसे खड़ा किया हुआ, कैसे महान बनाया हुआ, कृष्ण के साथ, कृष्ण ने भी दो माताएं, यशोदा और देवकी, बिहाइंड एवरी ग्रेट पर्सन देयर इज अ मदर, माँ का रोल, मातृप्रेम, अद्भुत मातृप्रेम, माँ को भी, माँ ने भी कहा हुआ मैं तेरे साथ 14 साल वनवास में आऊँगा, नहीं राम कहते मेरे पिताजी का, मेरा जीवन जुड़ा हुआ है मेरे पिताजी के साथ, इनका ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना आवश्यक है। राजीव टाइटल दी थी, शुभ दर्शना कौशल्या का दूसरा नाम, शुभ दर्शन कराने वाली, दृष्टि देने वाली को माँ कहते हैं, जीवन की ओर कैसे देखना, मातृप्रेम, पितृप्रेम, पिता के लिए भी अत्यंत प्रेम था, राम को वनवास की तैयारी देखकर दशरथ, राजा दशरथ रोते हुए कहते हैं मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा, सभी आज्ञाएं मान्य करता है, अरे कौन पिता ऐसा कह सकता है, दशरथ और कैसा प्रेम दिया होगा, जिनको वनवास में जाने के पश्चात स्वयं अपना जीवन छोड़ दिया हुआ है, दशरथ महान इस रघुवंश में आए हुए राम के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह पितृप्रेम, भातृप्रेम, भाइयों के बीच देने में आगे और लेने में पीछे, ऐसी लड़ाई सिर्फ भारत में ही हो सकती है, भरत मनाने जाते हैं और दोनों भाइयों के बीच संवाद जो होता है, वह संवाद कैसा जीवन रहा होगा, कैसा प्रेम दिया होगा, राज्य तुझे ही स्वीकारना और मैं राज्य आपको दे रहा हूँ, ये कहने वाले भरत, विविध रोलों में एक बहुत सुंदर देखकर, राजा का रोल,
आज भी राम राज्य मित्र का रोल, सुग्रीव मैत्री कैसी मैत्री की है, अवतार का कार्य पूर्ण होने के पश्चात सुग्रीव भी किष्किंधा से दौड़कर आते हैं और सरयू नदी में राम के पीछे ही अपना जीवन समाप्त करते हैं। ऐसी मैत्री विश्व के पैरल में भी हो सकती है क्या? मित्र का रोल, शत्रु का रोल भी वैसा ही, इसका वर्णन रामायण में देखेंगे। रावण को सावधान किया हुआ, बार बार चेतावनी दी है, अभी भी बदल जा। हनुमान को भेजे हुए परिचय दे दिया हुआ और रावण निर्गुण निराकार का पुजारी, शिव का बहुत बड़ा पुजारी था, वेदों को रुचा देने वाले, वेदों का गायन करने वाला रावण, लेकिन सगुण साकार मनुष्य अवतार लेकर आए हुए राम को नहीं पहचान सका। उनको भी चेतावनी दिए, हनुमान से परिचय करवाया हुआ, अंतिम चेतावनी के रूप में भी अंगद गए हुए हैं, अभी भी मान जा तू, अन्यथा ये संपूर्ण लंका जो है वह रावण के कारण समाप्त हो जाएगी। ये शत्रु और मारीच ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ, रावण जब विवश करता है तुझे हिरण बनकर, गोल्डन डियर बनकर राम को वहां कुटिया से बाहर ले जाने हैं और उसके पीछे मैं सीता का हरण कर लूंगा, वैसी योजना बनाई थी, लेकिन मारीच कहता मैं वैसा नहीं करने के लिए तैयार। अंत में रावण ने चेतावनी दी है, यदि तू वैसा नहीं करेगा तो मेरे हाथ से ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। मारीच सोचने लग गया, रावण के हाथ से मृत्यु या राम के हाथ से मृत्यु, और अंत में राम राम कहकर सुन गोल्डन बियर शत्रु को भी कैसे उन्होंने सावधान किया हुआ, ऐसे शत्रु भी कहाँ मिलेंगे। शत्रु का रोल और अंत में धर्म रक्षक, प्रजा का प्रेम, धर्म की रक्षा के लिए तो आए हुए थे। किष्किंधा का राज्य भी सुग्रीव को दिया हुआ, लंका का सुनहरा सोने की लंका वह भी विभीषण को दिया हो, धर्मराज की स्थापना की है। कृष्ण जीवन में जो जो हम लोग देखते आ रहे हैं, युधिष्ठिर धर्मराज, वैसे ही किष्किंधा का राज्य, लंका का राज्य धर्म की स्थापना के लिए आए हो, और वाली को भी सावधान किया हुआ। आज कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, और सुग्रीव ने भी पहली बार जब युद्ध के लिए वाली को ललकारा हुआ था तो दोनों में द्वंद्व युद्ध में बहुत ही तरह से सभी जगह इजा होने के कारण भागकर वापस आया हुआ और राम के सामने शिकायत की है, आपको यदि वाली को मारना ही नहीं था तो मुझे क्यों भेजा, मैं तो बचकर आया हूँ, अन्यथा मेरा जीवन ही समाप्त हो जाता। और दूसरे दिन फिर योजना बनाई है वाली वध करने से पहले, इसके पीछे संकेत था, वाली को सावधान किया हुआ था कि सुग्रीव के पीछे राम का बल है। वैसे अंत में देखेंगे बहुत सुंदर राष्ट्र प्रेम, न रोषयति मई स्वर्गमयी लंका, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लंका युद्ध समाप्त होने के पश्चात लक्ष्मण को कहते, अभी लक्ष्मण तैयारी करो, मुझे ये सोने की लंका न रोषयति, मुझे तो अयोध्या जाना है। विदेश जाने वाले भारतीय प्रत्येक नौजवानों के लिए संदेश है कि हमारी भारत भूमि राष्ट्र प्रेम राम ने दिखाया हुआ है, मुझे भारत भूमि चाहिए। आज वैसी भूमिका के साथ यदि हम राष्ट्र प्रेम खड़ा कर सके तो ही आज ये विश्व में विश्व भारतीय बन जाएगा। हमारी संपत्ति में इतना खजाना भरा हुआ है, संपूर्ण विश्व को
हम दे सकते हैं, उनको बदल सकते हैं और नई दिशा दिखा सकते हैं। इस भूमिका के साथ आज के दिन जीवन के बारे में विचार करना, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए यदि कटिबद्ध होते हैं तभी सच्चे अर्थ में रामनवमी उत्सव, अन्यथा एक हॉलिडे हो जाएगा, छुट्टी, उपवास किया हुआ, राम मंदिर सिर झुकाया, वहीं पर समाप्ति। लेकिन अनंत गुरु के समुद्र के समान अवतार लेकर हमारे जैसे बनकर आए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके जीवन के नज़दीक हम कितने पहुँचे हुए हैं, ये प्रत्येक वर्ष ये उत्सव हमें सब याद दिलाता है। कहे क्या, कुछ करके आए, कुछ बनाया हुआ एक वर्ष में, ये जिसे चिंता हो जाती है वही सच्चा राम का पुजारी। और इस महान विचारधारा को यदि आज के फ्यूचर सिटीजन के पास ले जाएं तो ये हमारा सुनहरा युग दूर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी ये संपत्ति जो है वैश्विक संपत्ति, इसलिए तो राम और कृष्ण यहाँ आए हुए थे, व्यापक करेंगे, विष्णु का आरती व्यापक, मूर्ति पूजा का रहस्य व्यापक। बहुत सुंदर ये आज के दिन राम के अनंत गुणों का स्मरण करके आज यही समाप्ति करेंगे, पर हमारे जीवन में भी वैसा ही कुछ करने की तैयारी, राम के लिए संबंध जोड़ना, रिश्ता जोड़ना, ये समझदारी थोड़ी भी आ जाए तो सच्चे अर्थ में ये उत्सव और इस उत्सव की सभी को शुभकामनाएं देकर ये राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम श्लोक में कुछ संदेश है। ये राम रक्षा स्तोत्र की प्रेरणा शिव जी ने विश्वामित्र को स्वप्न में दिए, आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षाम इमाम हरः तथा लिखित प्राण प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिका, सुबह उठकर लिखना प्रारंभ कर दिया हुआ। और अंतिम श्लोक राम रामेति रमेति रामे वरानने, शिव जी पार्वती को कह रहे हैं, इस सहस्त्र नाम पढ़ने का जो परिणाम जीवन विकास में आता है वही ये राम का स्मरण, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से वही परिणाम जीवन में अवश्य ही आएगा। ये अंतिम श्लोक गाकर आज पूरा करेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। आज यही समाप्ति करेंगे, ये शुभ अवसर, शुभ उत्सव हमारा जीवन भी तेजस्वी बनाने की प्रेरणा देने वाला, चंद्र की शीतलता देने वाला, मंगल दृष्टि देने वाला, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड द लॉर्ड खड़ी हो जाए, कोई शुभकामना के साथ पूरा करेंगे। सहस्त्र नाम तत्तुल्य अंतिम श्लोक में कहते हैं, राम का नाम एक बार ले लो, हजारों नाम, सहस्त्र नाम जपने से जितना पुण्य होता है वही पुण्य राशि इस अंतिम श्लोक में शिव जी पार्वती को वरानने उसको कहते हैं। इस भूमिका के साथ आज हम समाप्ति करेंगे, जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके, ये राम के हमारी भारतीय सबसे बड़ी संपत्ति जो है, ये हिस्टोरिकल ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को दैवी बनाने का ग्रंथ है। आज आने वाले विद्यार्थी, फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनको एक हिस्टोरिकल समझ दी जाती है, हिस्ट्री में एक पात्र हुआ है, ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं है ये, अन्यथा 10,000 वर्ष पश्चात भी राम जन्म ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा एक भी पात्र विश्व में है क्या, 10,000 वर्ष पूर्व भी, इस समझ के साथ है। बस
वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणु रमादनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।